नमस्कार मेरा नाम डॉक्टर नवीन चौहान है मैं गाज़ियाबाद में क्षार सूत्र एनोरेक्टल प्रैक्टिस करता हूँ पाइल्स, फिशर फिस्टुला पायलटल साइनस आदि जो बीमारियाँ होती हैं उनके रोगियों का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करता हूँ और पिछले मोर देन अराउंड थर्टीन इयर्स मैं ये प्रैक्टिस कर रहा हूँ इसकी और मैं आज इस वीडियो में आपके जो है फिस्टुला यानी भगंदर के बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहूँगा फिशुला जो बीमारी है वो एक ऐसी बीमारी है हालांकि बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है लेकिन फिर भी ये कंसर्न का विषय है क्योंकि जो है इसमें मरीज को काफ़ी कष्ट होता है इसकी अगर हम लक्षण की बात करें कि तो अगर कोई भी ऐसा एक फिंसी या फोड़ा टाइप अगर जो कि एनस के अगर आसपास आपको है और जो काफ़ी समय से दवा आप ले रहे हैं और वो ठीक नहीं हो रहा है तो हम सस्पेक्ट करते हैं कि ये फिश्चुल्हा होता है फिस्टूला जो होता है वो उसकी पहचान यही होती है कि वो एक ऐसा बॉयल बन जाता है साइड में एन के चारों तरफ किसी भी पॉइंट पे बन सकता है किसी भी ओ क्लॉक पोजिशन पर वो बन सकता है और उससे रुक रुक के पस का डिस्चार्ज होने लगता है और कभी कभी अगर वो फूटता नहीं है तो वो अंदर ही अंदर पस का जो डिस्चार्ज है वो एन से हो सकता है तो जो हमारा जो पूरा एक टनल जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है इसमें इसको हम फिस्टूला या भगंदर बोलते हैं इसकी अगर हम ट्रीटमेंट की बात करें तो इस पर बहुत सारे मतलब रिसर्च हुए हैं इसमें आयुर्वेद का जो क्षार सूत्र ट्रीटमेंट है वो सबसे ज़्यादा कामयाब है हालांकि मतलब इसमें दवाइयों से ठीक होने के चांसेस थोड़ा कम रहते हैं मतलब वो आप दवा लेंगे तो आपको टेम्पररी तौर पे तो आराम मिल जाएगा लेकिन वो परमानेंट ठीक होना थोड़ा सा मुश्किल होता है उसके लिए सर्जिकल या सर्जरी या इस तरह की जो वो है इं, इंटरवेंशन उसकी आवश्यकता पड़ती है तो फिस्चुला में एक क्लासिकल जो ओपन सर्जरी होती है एक तो वो होती है या फिर दूसरा फिर हम सूत्र करते हैं वो होता है सूत्र में ये फ़ायदा है कि इसमें चांसेस ऑफ रिकरेंस और चांसेस ऑफ इनकंटिनेंस वो मिनिमम होते हैं इनकंटिनेंस मतलब जो स्टूल को हमारी होल्ड करने की क्षमता है वो सूत्र में खत्म नहीं होती है और एलोपैथिक सर्जरी जो होती है ले ओपन वाली जो क्लासिकल सर्जरी होती है उसमें थोड़ा सा ये रिस्क रहता है थोड़ा सा दोबारा होने का भी रिस्क रहता है जैसे फिस्टूला है वो हालांकि फिस्टूला का जो ट्रैक होता है जो रास्ता होता है उसकी लंबाई और फिस्टूला की ब्रांचिंग और उसके आधार पर उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है उसी के अकॉर्डिंग उसका जो ट्रीटमेंट का जो टाइम होता है वो होता है अप्रोक्सीमेटली ज़्यादातर फिस्टूल्हा जो है वो एक से तीन महीने के अंदर ठीक हो जाते हैं कोई कोई मल्टीपल फिश हुआ या फिर कोई बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रैक हुआ तो फिर उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है ऐसे ही जैसे जैसे फिश्टूल्ह्ला है वैसे ही एक मिलती जुलती एक और बीमारी है जिसको हम पाइलोनाइडल साइनस बोलते हैं ये ये उन लोगों में ज़्यादा होती है जो लोग हेयर ही मतलब जिनके शरीर पे बाल ज़्यादा होते हैं और जिनका लंबे टाइम तक बैठे रहने का वर्क होता है तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी लो बैक है मतलब जो कमर का आखिरी हिस्सा है बैक का वहाँ पे एक छोटा सा बॉयल बन जाता है वो बॉयल जो है उससे जो है धीरे धीरे पस का डिस्चार्ज होने लगता है तो उसको पायलोनाडल सिस्ट या फिर जब वो एक ट्रैक जैसा रास्ता बन जाता है तो उसको पायलोनाडल साइनस बोलते हैं उसका ये भी एक हंड्रेड परसेंट सर्जिकली क्योरेबल बीमारी है इसमें भी क्षार सूत्र का एक बहुत अच्छा रोल है क्षार सूत्र से ये बिल्कुल पूरी तरह से ठीक हो सकता है तो हमारा ये है कि क्षार सूत्र जो है एक इसके लिए उत्तम एक्सीलेंट जो है व्यवस्था है एक्सीलेंट ट्रीटमेंट का ऑप्शन है जिसको आप आराम से जो है इस अडॉप्ट कर सकते हैं और कंपेयर टू अदर सर्जिकल प्रोसीजर्स ये सस्ता भी है इकोनॉमिकल है और दूसरे जो है इसमें रिस्क जो है वो मिनिमम है कम से कम है तो हम कोई भी अगर सर्जिकल प्रोसीजर के लिए जाना चाहेंगे तो हम चाहेंगे कि हमारा जो जख्म है वो जल्दी ठीक हो और उसमें रिस्क कम से कम हो तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो है मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारा जो फिस्टुला और पाइलोनेडल साइनस की बीमारी है उसके लिए आप क्वालिफाइड छार सूत्र स्पेशलिस्ट डॉक्टर से कंसल्ट करें आप हमारे यहाँ भी आ सकते हैं हमारे यहाँ फीमेल पेशेंट्स के लिए लेडी डॉक्टर भी अवेलेबल हैं और इस इसके लिए लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा कि बीमारी को बढ़ने ना दें इन बीमारी को काफ़ी टाइम तक लोग इग्नोर करना चाहते हैं और डरते हैं सर्जरी से ये ये चार सूत्र जो है वो एक साधारण सिंपल प्रक्रिया है और इसमें कोई किसी तरह के रिस्क की संभावना कम से कम है और क्वालिफाइड डॉक्टर से ही इलाज कराएं इसके लिए बंगाली या नॉन क्वालिफाइड डॉक्टर नीम हकीम डॉक्टर के पास ना जाएं इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं धन्यवाद